फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और ये नखून चबाने की आदत बहुत ही गंदी होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो वैसे भी गंदगी मुंह में जाती है तो आपको नहीं करना चाहिए। तो ये नहीं, इसके चाचा की भी आदत ऐसे ही है नखून चबाने की, यानी कि इसके पापा। मैंने कितनी बार बोला मुंह से नखून नहीं चबाने चाहिए, लेकिन मानते नहीं है। आप क्या खा रहे हैं? क्या खा रहे हो? और आज मैं गई थी शाम को बाजार राशन लेने, राशन खत्म हो जाता है। बाबू, पापा की चोरी सारी खा ली? और इसने तो पूरी चॉकलेट खा ली, इसके पापा के लिए रखी थी। और इन्होंने बहुत ही गंदी बात करी आपने, अब आपको कोई सजा मिलेगी। आपने पूरा अपनी चॉकलेट खाई, फिर अपनी सारी चीज खाई, और फिर पापा की चॉकलेट भी खा ली फ्रिज में से। अब आपको आज बहुत बुरी सजा दूंगी मैं। ये बहुत गंदी बात है, आप किसी और की चीज खा रहे हो, रखी हुई, अपनी तो खा ली। ओ माय गॉड, मेरी तो खीर बना रही हूँ मैं, थोड़ा सा प्रसाद। मैंने सुबह बनाना चाहिए था पर रात हो गई है तो थोड़ी सी बना रही हूँ। और ना उसमें चावलों को पहले मैंने कहा उससे कर लूँ, थोड़ा बन से जाएंगे ना, फिर इसमें दूध वगैरह डाल लूँ। बहुत जरा सी बना रही हूँ क्योंकि मैं कम ही खा रही हूँ, मोटापा वैसे ही ज्यादा हो गया खाने से। और मैं राशन का सामान लाई थी जो कि अभी प्राची जी इसमें रहताएगी अभी खाना बनने के बाद। और खाने में क्या बन रहा है पता है? क्या बन रहा है? कल रात को ना बहुत सारे गोभी आलू रखे थे हमारे, बचे थे। सुबह हमने खाना ज्यादा खाया नहीं, ये सब्जी रखी है कल रात की, तो इसी के पराठे बना दूंगी। फ्रिज में रखी थी तो खराब हुई नहीं है, आटा भी रखा हुआ है। तो मैंने इसके डैडी से बोल दिया है कि आज पराठों में इसी की पराठे बना के दही के साथ मिल जाएंगे। इतनी गंदी हरकत कैसे करी बाबू आपने? किसी का खाते है क्या ऐसे? हैं? पूछा भी नहीं एक बार भी, और अपनी चीज खा ली ना आपने? हंसने की बात है ये? तुम्हारी कोई चीज खा ले तो अब एक हफ्ता ना चुन्नू तू इसकी चीज खाएगा इसे बिना बताए, ठीक है? मतलब इसको, इसकी मैं चीज लाऊंगी और ये जिस जो भी इसने चीज रखी है ना वो तुझे खानी है। जैसे वो जो इसने रखे तेरी सारी चीज ये खाएगी अब एक पूरे एक हफ्ता, 1 वीक पूरे। नहीं कहने से कुछ नहीं होगा, और ज्यादा बदमाशी करी तो पिटाई होगी। इसको सब डिसलाइक करो, बच्चे को डिसलाइक, इसको लाइक नहीं। तो खाओगे अब आगे से खाओगे? पहले बताओ। ये ना बहुत जिद्दी हो रही है, बहुत ज्यादा मानती नहीं किसी बात को। चलो इसको लाइक कर दो फिर, ठीक है? ठीक है, सबने लाइक कर दिया तो इसे डिसलाइक से ना बहुत बुरा लगता है। पता नहीं ये बच्चे अपनी चीज खाते हैं फिर इनको, इसको ना मैं मारती नहीं हूँ, डांटती भी हूँ तो भी ये कहती है कि मुझे मारा। अगर हल्का से एक दो लगा भी दो ना तो एक चीज चीख के कहने लगती है कि मारा मारा, जो कि मैं करती नहीं। मेरा चम्मच नीचे गिर गया था ये दूसरे से ना, मैं थोड़े चावल देख लेती हूँ कैसे बने। तो आज के दिन ना मैं देवी माँ की पूजा करती हूँ, काली माता की, बचपन से ही करती आ रही हूँ। और क्योंकि जब मैं अपने मामा मामी के घर रहने जाती थी ना तो वो लोग काली माता की बहुत पूजा किया करते थे, तो फिर मैंने भी शुरू कर दी कि काली माता की पूजा करना बचपन से। साईं बाबा की भी करती हूँ मैं, और संडे को करती हूँ। पर मैंने देखा है कालका जी में ना सैटरडे ज्यादा भीड़ रहती है संडे के मुकाबले, तो मैं बचपन से संडे को ही पूजा करती आई हूँ जब से छोटी थी। हमें सोचो चम्मच कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ, इसी में रख देती हूँ, गर्म हो जाएगा। पर और क्या, तो मैं पूजा पे थी तो मैं कभी भी ना माता रानी की पूजा मिस नहीं करती हूँ, और हर संडे करती हूँ देवी माँ की पूजा। काली माता की, भैरव बाबा की जय हो, काली माता की जय हो, भैरव बाबा की जय हो, किशन कन्हैया की जी की जय हो, मेरे भगवान जी। तो मैं कुछ भी बातें करने लगती हूँ मोबाइल के साथ ना, ऐसा लगता है किसी के साथ बातें कर रही हूँ। तो ऐसी ही हूँ मैं, मतलब मैं बहुत बातूनी हो गई हूँ। एक टाइम था जब मैं बहुत शाय हुआ करती थी, बोलती नहीं थी, और अब इतना बोलती हूँ कि बस बकर बकर करती रहती हूँ। तो मैं उसे देखूं क्या कर रही हूँ। अरे हम कुछ नहीं कर रहे, जाओ। बाबू आपको मैंने लाइक दिला दिया है, एक मिनट। अब हम कुछ नहीं कर रहे, मुझे पता है। देखो कैसे बोलती है, सब सुन रहे हैं तुझे, यहाँ पूरी दुनिया सुन रही है। आगे से आप खाओगे? नहीं, पहले जाओ, पहले सॉरी कहो। सॉरी ऐसे बोलते हैं कान पकड़ के। सॉरी
तो ये ऐसी है, देख लिए कैसी है, ऐसी है। इसको कैसे हैंडल करना मुझे बताओ, इसको पीटना है, इसको डांटना है, इसको खाना नहीं देना, कैसे हैंडल करूं मुझे खुद पता नहीं चलता ये लड़की ऐसी क्यों होती जा रही है। और इसकी कुंडली वगैरह दिखा ली हमने, सब कुछ कर लिया, पर कोई प्रोग्रेस नहीं है। बचपन में बस एक चीज इसने करी है, स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। जब राघव हुआ था मैं रहने गई थी इन लॉज हाउस, जब से ये स्कूल जाने लगी, अदरवाइज इस बच्ची में ना कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो मैं चावल में मिल्क मिला देती हूँ, और आज का मेन्यू तो आपको बता ही दिया हमने क्या है। और मैं केले ले आई थी, मैंने कहा राघव बाबू खा लेंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो बच्चे के लिए इसलिए केले लाई थी। इनके लाई थी मैं गोलगप्पे छोटी के लिए, तो ये बन जाएंगे। इसमें ना मैं अब थोड़ा सा देखती हूँ, अगर ये थोड़े से गल गए होंगे हाँ, तो अब मैं इसमें ना वो मिक्स कर देती हूँ, क्या दूध, तो ये बन जाएगी मेरी खीर। तो ये है मेरा ब्लॉग, आज भी मैंने कुछ इतना खास नहीं किया, और क्योंकि मेरा एडिटिंग का काम चल रहा था आज मैंने वही किया है दिन में। और ये है मेरा डे ब्लॉग, नाइट ब्लॉग भी आता है रात को, तो आप उसे देख सकते हैं। और मेरा कॉमेडी का चैनल भी है, वो आपको सजेशन में दिख जाएगा कहीं ना कहीं, उसमें आप मेरी कॉमेडी वीडियो देख सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसी बनी है। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें, अगर पसंद नहीं आती तो डिसलाइक कर दें। और मैं मिलूंगी आपसे कल के ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।